ओके सो फ्यूचर ऑफिसर्स, यहाँ पर आरबीआई ने फर्स्ट टाइम सिंस 1991, ये ईयर याद रखना इम्पोर्टेंट है, 1991 के बाद आरबीआई ने पहली बार 1 लाख केजी या फिर 100 मैट्रिक टन, एमटी क्या होता है, मैट्रिक टन, इतना गोल्ड आरबीआई लेके आई है। कहाँ से? यूके से, यूनाइटेड किंगडम से इंडिया में वापस। तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से। हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आई होप ए परफेक्ट देयर एंड डूइंग डेडली स्टडी। सो आज हम फिनिश करेंगे आरबीआई का न्यूज कंप्लीट जून 1 एंड 2 वीक का, और इसके बाद हम इंटरनेशनल से भी ये सब फिनिश करेंगे। एंड जो भी हमारे लेक्चर आते रहेंगे उसमें हम आगे जाके स्टेट्स भी कवर करेंगे, और जितने अवार्ड्स वगैरह हुए थे वो भी कवर करेंगे सारे कंप्लीट, एंड एक्विजिशन मर्जर वगैरह जो भी हमारे सारे इंपॉर्टेंट है सब हम कवर करेंगे। डेज एंड ओबिचुरीज हम फोकस नहीं करेंगे क्योंकि ये एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, इसके लिए इतना परेशान नहीं होना, और क्या पता वो भी ना आए। तो जो इम्पोर्टेंट है पहले वो करना है, और किसी भी लेक्चर के नोट्स नहीं बनाने आपको। आपको हमेशा नोट्स पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और उस नोट्स पीडीएफ का पूरा फायदा उठाओ, उसको डाउनलोड करो और उसका प्रिंट आउट निकलवाओ और मल्टीपल टाइम्स रिविजन करो। ये नोट्स पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी @rightapproach_banking, और टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगी @rightapproach_YouTube। तो दोनों को ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर आपको सारे लेक्चर्स के अपडेट, नोट्स पीडीएफ, वीकली मंथली सब मिल जाएगा, एज वेल एज हर एक लेक्चर की पीपीटी और उस लेक्चर की पर्टिकुलर नोट्स पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर विदाउट वेस्टिंग आवर फर्दर टाइम। अब यहाँ पर फर्स्ट न्यूज आती है, ये सारी न्यूज आरबीआई की रहेगी। तो आरबीआई ने एक ओपन किया है, बेसिकली गेट ओपन कर दिया है इन्वेस्टर्स के लिए और कंपनीज के लिए, ताकि वो ओवरसीज फंड्स में इन्वेस्ट कर सके। अभी ओवरसीज फंड क्या होता है, क्यों होता है, इसके बारे में हम डिटेल में समझ लेते हैं। सो यहाँ पर आरबीआई ने सेक्शन 10(4), सेक्शन याद कर लेना, 10 का 4 है एंड 11 का 1 है, और ये सेक्शन किसके है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ये एक्ट आपको याद होना चाहिए और इसका ईयर भी आपको याद होना चाहिए। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 42 ऑफ 1999, इसके तहत अमेंडमेंट किया गया है, किसमें फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट डायरेक्शन 2022, यानी कि 2022 में जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की डायरेक्शन आई थी उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं। और कौन से एक्ट के तहत, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसको हम फेमा भी बोलते हैं, 1999। और ये दो सेक्शन है, सेक्शन 10(4) एंड 11(1). इसमें क्या गया है कि आरबीआई ने अलाउ कर दिया है लिस्टेड इंडियन कंपनीज को एंड रेसिडेंट इंडिविजुअल्स को, यानी कि जो लोग ग्रुप में होते हैं वो, ये इन्वेस्ट कर सकते हैं ऑफशोर फंड्स के अंदर। तो ये ऑफशोर फंड्स क्या होते हैं, ये बेसिकली एक तरह का म्यूचुअल फंड्स होते हैं। जैसे हमारे इंडिया में कोई कंपनी वगैरह होती है, वहां पर जब कोई ब्रोकर वगैरह होते हैं या बैंक वगैरह होते हैं, तो वो लोगों से पैसा इकट्ठा करके एक पर्टिकुलर कंपनी में शेयर खरीदते हैं या अलग अलग कंपनीज में शेयर खरीदते हैं, और वो बेसिकली यूनिट्स में होते हैं, यूनिट्स। जैसे मान लो कि 10 रुपये जो है वो 1 यूनिट के बराबर है, तो अगर किसी ने 100 रुपये दिए म्यूचुअल फंड के लिए, तो उसके पास 10 यूनिट आ गई। इस तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाता है। तो ये एक तरह से फॉरेन म्यूचुअल फंड होता है, जो ऑफशोर फंड है ना, ये एक तरह से इसको हम बोल सकते हैं फॉरेन या फिर इंटरनेशनल फंड्स भी बोल सकते हैं। ये आप देख सकते होंगे यहाँ लिखा भी हुआ है कि ऑफशोर फंड्स आर रेफर्ड एज इंटरनेशनल फंड्स या फिर फॉरेन फंड्स। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक तरह का म्यूचुअल फंड होता है ऑफशोर फंड, जो कि बाहर की कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है, लगाया जाता है, और इसमें अलाउ कर दिया गया है कि जो रेसिडेंट इंडिविजुअल्स है ग्रुप में और जो लिस्टेड इंडियन कंपनीज है वो अब इसमें इन्वेस्ट कर सकती है। और ये जो ऑफशोर फंड्स होते हैं ना, इसको रेगुलेट कौन करता है, अब ये एग्जाम वाला क्वेश्चन है यहाँ पर। तो ये जो सेबी हमारा है,
सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और आरबीआई, ये दोनों मिलके रेगुलेट करते हैं, जो भी गाइडलाइंस वगैरह होती है वो पर्टिकुलरली फॉलो हो रही है या फिर नहीं हो रही, हर एक चीज का ध्यान यही रखते हैं सेबी एंड आरबीआई। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑफशोर फंड्स आर कंप्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ सेबी एंड आरबीआई। अब यहां पर देखो, ये जो ऑफशोर फंड्स होते हैं ना, अभी जो आपको मैंने बताया था ऑफशोर फंड्स, ये वो म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती है जो इन्वेस्टमेंट हमको करना होता है इंटरनेशनल मार्केट्स में, जब इंटरनेशनल कंपनीज वगैरह होती है या फिर इंटरनेशनल गवर्नमेंट जो होती है फॉरेन कंट्रीज की, वहां पर जब हम सिक्योरिटीज में, बॉन्ड्स में, एसेट्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, तो उन सब चीजों में ये ऑफशोर फंड्स का यूसेज होता है। साथ ही साथ हम इसको एक फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो कोई भी कंट्री हो सकती है, उसमें कोई भी एक फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी होगी, वहां पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। खैर ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बस आपको समझने की आवश्यकता है कि ऑफशोर फंड होता क्या है। और यहाँ पर ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जैसे एफपीआई होता है ना, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये वही होता है बेसिकली। इसमें क्या होता है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, यानी कि ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये सिर्फ अलाउ किया गया था कि आप वहीं पे इसको इन्वेस्ट कर सकते हो जो कि रेगुलेट करेगा उसी होम ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर। यानी कि मान लो आप किसी कंट्री में इन्वेस्ट करते हो, तो उस कंट्री का जो रेगुलेटर होगा उसका रेगुलेट करना कंपलसरी है अगर आप उस कंट्री में इन्वेस्ट करते हो ऑफशोर फंड में। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब कुछ रूल्स रेगुलेशन चेंज हो चुके हैं, तो आप कोई भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और सिर्फ यूनिट्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। यूनिट्स क्या होते हैं, आपको मैंने बताया था कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पर आपका 10 रुपये की जो वैल्यू होती है 1 यूनिट होती है। तो पहले ऑफशोर फंड में भी 1 यूनिट में इन्वेस्ट करना होता था, लेकिन अब आप स्टेक्स, इक्विटी, शेयर, इन सब में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अब कोई गाइडलाइंस नहीं है ऐसी जो कि इसको लिमिटाइज करती है। और ये जो फंड है वो रेगुलेटेड बाय द फाइनेंशियल सर्विसेज रेगुलेटर, जिस भी कंट्री में आप इन्वेस्ट करते थे फंड को, वो उस कंट्री का जो फाइनेंशियल सर्विसेज रेगुलेटर है उसका रेगुलेट करना कंपलसरी था, राइट? एंड इन्वेस्टमेंट्स वर इन यूनिट्स, जो कि आपको मैंने बताया था कि पहले यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट होती थी ऑफशोर फंड में, बट अब कैसे भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो अब थोड़ा सा एफपीआई को समझ लेते हैं, ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, दोनों एक ही बात है। तो एफपीआई बेसिकली आप दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट जब करते हो रिटेल सेक्टर के अंदर, उसको हम बोलते हैं एफपीआई, और एफडीआई अलग चीज होती है, कभी लेक्चर में बताऊंगा मैं आके। और यहां पर देखो एफडीआई में क्या होता है कि एफडीआई में बेसिकली समझ लो, आप मान लो कि आप यूएसए में रहते हो और आपने इंडिया में किसी कंपनी के स्टेक खरीद लिए, इक्विटी जिसको हम कहते हैं, मान लो एबीसी कंपनी है कोई, तो उसके 10% स्टेक यूएसए में जो इंसान रह रहा है या फिर कोई भी कंपनी है उसने खरीद लिए, तो इस एबीसी कंपनी में अब इनका भी कंट्रोल है, जो भी रूल्स रेगुलेशन लिए जाएंगे उसमें यूएसए की कंपनी या जो भी इंडिविजुअल्स होंगे उनकी रिकमेंडेशन भी कंसिडर की जाएगी। लेकिन एफपीआई में ऐसा नहीं होता, यहाँ पर आप इन्वेस्ट करते हो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स वगैरह में, बॉन्ड्स वगैरह में, सिक्योरिटीज में, ये सब चीजें होती है, स्टॉक्स वगैरह हो गए, राइट? और यहाँ पर आपकी कोई डायरेक्ट ओनरशिप नहीं होती, ये चीज ध्यान रखो, यानी कि आपके डिसीजंस मैटर नहीं करते, कंपनी अपने अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेगी क्योंकि आप उसमें बस एक इन्वेस्टर हो, आपने इन्वेस्ट किया है लेकिन कोई कंट्रोल नहीं है आपका उसके अंदर। तो ये फर्क होता है। और ये जो एफडीआई होता है ना, ये बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। अगर मैं किसी कंपनी के 10% स्टेक खरीद रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात है मैं एक लॉन्ग टर्म विजन देख रहा हूँ कि मुझे फायदा मिले फ्यूचर में। लेकिन एफपीआई जब मैं खरीदूंगा तो वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, मैं जब चाहूँ अपना अमाउंट विड्रॉ कर सकता हूँ, चाहे प्रॉफिट में हो चाहे उसमें लॉस में हो, वो मैटर नहीं करता। तो एफपीआई बेसिकली एक तरीके से पार्टिसिपेट करना होता है, किसी स्कीम का बेनिफिट उठाना या किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में प्रॉफिट जनरेट करना शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। किसके लिए? शॉर्ट टर्म टाइम के लिए, राइट? अब आ जाओ अगली स्लाइड पे।
अब ये जो नए रूल्स आए हैं फेमा के, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 का 42 ऑफ 1999, ये याद रखना, 42 ऑफ 1999। इसमें क्या क्या रूल्स हैं? तो जो लिमिटेड पार्टनरशिप्स है जो कंपनीज वगैरह होती है वो, एंड लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज ये भी, एज वेल एज वेरिएबल कैपिटल कंपनीज, इन तीनों को ध्यान रखना, राइट। और जो ट्रस्ट वगैरह होते हैं वो अब परमिट, यानी कि उनको अलाउ कर दिया गया है कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं इन एनी इंस्ट्रूमेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स फॉर्म, चाहे वो यूनिट्स में हो, शेयर्स में हो, इक्विटीज में हो, बॉन्ड्स में हो, मैटर नहीं करता, राइट। तो ये तीनों को भी अलाउ कर दिया गया है। साथ ही साथ एक कंडीशन को हटा दिया गया है, कौन सी कंडीशन, कि जो इन्वेस्टमेंट है दैट कुड ओनली बी मेड इन फंड्स दैट आर डायरेक्टली रेगुलेटेड बाय द होस्ट कंट्रीज फाइनेंशियल रेगुलेटर। अगर मान लो कोई कंट्री है एक्स, अब इस कंट्री का जो फाइनेंशियल रेगुलेटर है वो उस एक पर्टिकुलर कंपनी को रेगुलेट नहीं करता, या जहां भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो उसको रेगुलेट नहीं करता, तो अब ऐसे में आप वहां भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर उस एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर उस कंपनी को कोई दूसरा कंट्री रेगुलेट करता है या उसका फाइनेंशियल रेगुलेटर रेगुलेट करता है, तो वो भी कोई इशू नहीं है, आपको पूरी अथॉरिटी है कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। इतना समझ में आ रहा होगा, यानी कि अब किसी भी कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए आपको उस कंट्री का फाइनेंशियल रेगुलेटर की जरूरत नहीं है, ये आरबीआई ने साफ साफ बोल दिया है। दोबारा पढ़ लो इसको, कि जो कंडीशन थी कि इन्वेस्टमेंट कुड ओनली बी मेड इन फंड्स दैट आर डायरेक्टली रेगुलेटेड बाय द होस्ट कंट्री। होस्ट क्या होती है? जहां पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्ट कंट्री उसको कहते हैं हम, होस्ट कंट्री, जिन्होंने बॉन्ड्स, यूनिट्स, ऑफशोर फंड्स की स्टेक्स, इक्विटीज वगैरह रिलीज की हो, तो वो सब चीजें हैं। बस अब वहां पर फाइनेंशियल रेगुलेटर का होना मैंडेटरी नहीं है, ये बात याद रखना। ये कंडीशन को रिमूव कर दिया गया है, इन केस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो आप कर सको। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछ लेना कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में। वैसे उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। अब कुछ और देख लो। अभी हमने पढ़ा था कि आरबीआई ने लिस्टेड इंडियन कंपनीज और रेसिडेंट इंडिविजुअल्स को अलाउ कर दिया गया है। यहाँ पर एक चीज और ऐड कर लेना, अनलिस्टेड इंडियन कंपनीज को भी अलाउ कर दिया गया है, लेकिन कहाँ पर? टू इन्वेस्ट इन IFSC इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज सेंटर फंड्स में अंडर ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। यानी कि जो हमारा IFSC है या किसी भी कंट्री का है, वहां पर अब आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप अनलिस्टेड इंडियन कंपनीज है, या आप इंडियन कंपनीज है, या फिर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल्स है। तो अगर एग्जाम में ये आता है कि अनलिस्टेड इंडियन कंपनीज एंड लिस्टेड इंडियन कंपनीज एज वेल एज रेसिडेंट इंडिविजुअल्स आर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट इन IFSC अंडर OPI, तो वो गलत हो जाएगा, नाउ दे आर अलाउड, राइट। अब RBI ने, अच्छा अभी थोड़ा सा एक डिटेल है जो कि हम जान लेते हैं RBI के बारे में। RBI बना कब था? तो देखो, RBI एक्ट 1934 के तहत बनाया गया था, ठीक है, एक्ट याद रखना। सो ये RBI एक्ट 1934 है, इम्पोर्टेंट है। इसके तहत RBI को स्टैब्लिश किया गया था 1935 में, ओके। और ये किसकी रिकमेंडेशन पे स्टैब्लिश किया गया था, कौन था या कौन सी कमेटी थी? तो हिल्टन यंग कमीशन। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि RBI किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे स्टैब्लिश किया गया, तो हिल्टन यंग कमीशन था, जो कि 1926 में बना था, इस ईयर को याद रखना। सो 1926 में हिल्टन यंग कमीशन बना था, हिल्टन यंग कमीशन HYC, और 1934 एक्ट के तहत 1935 में RBI को स्टैब्लिश किया गया था। समझ में आया इतना? RBI के जो पहले गवर्नर थे रिजर्व बैंक के, वो सर ओसबोर्न स्मिथ थे। ये भी एग्जाम में पूछ लेते कभी कभार, इसको भी याद रखना। सो सर ओसबोर्न स्मिथ वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक। RBI को 1 अप्रैल 1935 में स्टैब्लिश किया गया था। मैंने आपको 1935 में बताया था कि 1935 में RBI को स्टैब्लिश किया गया था, लेकिन जो एग्जैक्ट डेट है वो है 1 अप्रैल 1935, और सबसे पहले ये कोलकाता में स्टैब्लिश किया गया था, यानी कि जो पहले इनका हेडक्वार्टर था वो था कोलकाता के अंदर। कहाँ था? कोलकाता में। तो अगर आपसे इंटरव्यू में या एग्जाम में पूछता है कि व्हाट वाज द फर्स्ट हेडक्वार्टर ऑफ RBI इन 1935,
तो दैट वाज कोलकाता। फिर 1937 में, 1937 में ये हेडक्वार्टर कोलकाता से शिफ्ट कर दिया गया था मुंबई में। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर है, आप सबको मालूम होगा। सो मुंबई महाराष्ट्र में 1937 में हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर दिया गया था मुंबई। अभी जो हमारे प्रेजेंट गवर्नर हैं आरबीआई के, वो श्री शक्तिकांता दास जी है, और ये 25th गवर्नर है। याद रखना 25th गवर्नर है, बोलना मत, एग्जाम में पूछ सकता है। और जो हमारे बाकी डिप्टी गवर्नर है, क्योंकि आरबीआई में एक गवर्नर होते हैं और चार डिप्टी गवर्नर होते हैं, इनको भी याद रखो। तो चारों के नाम आपको याद होने चाहिए, प्लस गवर्नर तो इम्पोर्टेंट है ही। तो चारों में जो फर्स्ट डिप्टी गवर्नर है उनके नाम है स्वामीनाथन जानकी रमन, जिनको हम एस जानकी रमन भी बोल सकते हैं। सो स्वामीनाथन जानकी रमन, दूसरे थे माइकल डी पात्रा, तीसरे एम राजेश्वर राव, एंड चौथे टी रविशंकर। ये सभी आपको याद होने चाहिए। कितने रीजनल ऑफिस आरबीआई के हैं, कभी कभार एग्जाम में पूछ सकते हैं, पूछ भी लेते हैं। सो 19 रीजनल ऑफिस आरबीआई के हैं और चार जोनल ऑफिस है। सो टोटल मिला के कितने हो गए? 23 हो गए। अगर आपसे पूछता है कि टोटल बताओ कितने ऑफिस है रीजनल प्लस जोनल, तो 23 बताना है। अगर सिर्फ जोनल पूछे तो चार बताना है। कौन कौन से हैं? एक चेन्नई में, इनके नाम याद रखो, एग्जाम में पूछ सकते हैं। मुंबई में है, दिल्ली और कोलकाता। सो कोलकाता, दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई, ये चार जोनल ऑफिस है। इन चारों के नाम आपको याद होने चाहिए। एग्जाम में अगर पांच ऑप्शन देता है तो आप एलिमिनेट कर पाओ। और 19 रीजनल ऑफिस है आरबीआई के। अब आते हैं अगली स्लाइड पे। सो आरबीआई, आपको मैंने बताया था कि 1934 एक्ट के तहत 1935 में स्टेब्लिश किया गया था, और 1926 में हिल्टन यंग कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक ये स्टेब्लिश किया गया था जो कमेटी थी, और 1937 में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया था मुंबई में। लेकिन 1949 में, सॉरी, इसको नेशनलाइज कर दिया गया था, यानी कि ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया था, राइट? तो 1949 याद रखना, अगर एग्जाम में पूछता है कि व्हेन वाज आरबीआई नेशनलाइज्ड, तो नेशनलाइज्ड हुआ था 1949 को। अगर पूछे कब स्टैब्लिश हुआ था, तो 1935 को। दोनों अलग चीज है। अब यहां पर जो एक्ट था इसका, नेशनलाइजेशन का, वो था आरबीआई ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948। इसको भी ध्यान रखना। आरबीआई का जो लोगो है, जो आप देख रहे हो यहाँ पर इमेज में, ये किस लोगो से इंस्पायर है? क्योंकि हर एक लोगो के पीछे कहानी होती है, तो आरबीआई की बात आई है तो ऑब्वियसली बात है इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आरबीआई के लोगो में एक पाम ट्री है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर पीछे की तरफ है पाम ट्री, ओके, ये वाला। और दूसरा एक टाइगर प्रेजेंट है, जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये टाइगर प्रेजेंट है। और साथ में मॉडल्ड कॉपीड है, यानी कि एक तरह से जो ये कॉपी किया गया है, कहाँ से कॉपी किया गया है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की एक डबल मोहर थी पहले, वहां से कॉपी किया गया है। ये आप इमेज में देखो नीचे, ये तो यहाँ पर भी एक पाम ट्री था, लेकिन यहाँ पर लोयन था, तो इस लोयन को रिप्लेस करके इन्होंने टाइगर डाल दिया। और यहाँ लिखा था ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी जगह पे इन्होंने कर दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बाकी कुछ भी नहीं किया, तो पूरा कॉपी मार रखा है। चलो आगे चलते हैं। सो आरबीआई ने, अभी अगली न्यूज है, आरबीआई ने बिजनेस रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। कौन सी कंपनीज पे? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज है। वो बेसिकली क्या होती है, जो बैड लोन होता है ना हमारा, बैड लोन जो कि एनपीए बन जाता है और जिसका पैसा हमारे पास नहीं आता, तो उस बैड लोन को एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज एआरसी खरीद लेती है। तो ऐसे में कुछ बेसिकली फंक्शनैलिटीज ऐसी हुई है जो कि रेगुलेशंस के विरुद्ध थी, उसके अपोजिट थी आरबीआई के। तो दो कंपनी है एडल वैसे की, कौन कौन सी है? एक ईसीएल है फाइनेंस, और एक एडल वैसे एआरसी। पूरी न्यूज देख लेते हैं क्या है। सो अंडर सरफेजी एक्ट, ये एग्जाम में कई बार पूछ लेता है और इंटरव्यू में भी पूछ लेता है। तो सरफेसी एक्ट क्या होता है? सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। फुल फॉर्म इसकी अच्छे से याद कर लो, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, और अगर एग्जाम में भी आए तो आपको पता होना चाहिए। सरफेसी एक्ट 2002 है, और जो हमने पढ़ा था फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, वो 1999 था, ठीक है, इसको भूलना मत। सो सरफेसी एक्ट जो है 2002, यानी कि सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, देन एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002,
और साथ ही साथ एक एक्ट और है, आरबीआई एक्ट 1934। इन दोनों एक्ट को ऐड करके, यानी कि इन दोनों एक्ट को कंसिडर करके, आरबीआई ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, रिस्ट्रिक्शन लगाई है EARCL कंपनी पे, जो कि है एडलवेस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, और दूसरी ECL जो कि इसी की है, ECL फाइनेंस कंपनी। अब क्यों लगाया है? क्योंकि इनका जो लैंडिंग एक्टिविटी था लोन वगैरह का, वो ठीक नहीं चल रहा था। सो नॉन कंप्लायंस विद लोन टू वैल्यू नॉर्म्स, कितना लोन सैंक्शन करना है, कितना नहीं करना, ये सब चीजों पे उन्होंने रेगुलेट ढंग से नहीं किया, उसको वायलेट किया। साथ ही साथ में जो लोन का सेटलमेंट था उसमें भी इनके इश्यूज पाए गए। तो ये याद रखना कि लोन से रिलेटेड चीजों पे इन पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, इनको ध्यान में रखते हुए। साथ ही साथ इन्होंने KYC को ढंग से फॉलो नहीं किया, नो योर कस्टमर। जब आप किसी बैंक में जाते हो अकाउंट ओपन करने या अदर फैसिलिटीज के लिए, तो KYC मैंडेटरी होता है। अब ऐसे में इन्होंने वो भी ढंग से फॉलो नहीं किया, तो इसलिए इन पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई। साथ ही साथ इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि पब्लिक को शेयर नहीं करनी थी, वो शेयर कर दी थी। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने बोला कि भाई अब आप बिजनेस नहीं कर सकते, हम आप पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। अब जब तक आरबीआई ये रिस्ट्रिक्शन हटा नहीं देता, तब तक ये काम नहीं कर सकते। ओके, अब आ जाओ अगली स्लाइड पे कि सरफेसी क्या होता है। तो सरफेसी एक्ट 2002, याद रखना, दोबारा बोल रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पूरे बैंकिंग सिस्टम की एक तरीके से बैकबोन वीकेंड से जब बात आती है लोन रिकवरी वगैरह की। तो सरफेसी एक्ट बैंक को ऑथोराइज करता है, यानी कि अलाउ करता है, और साथ ही साथ जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि NBFC वगैरह हो गए, ये सब, कि वो लोन रिकवरी के लिए, अगर मान लो कोई लोन कोई कस्टमर लेता है और वो लोन बैड लोन बन जाता है, NPA बन जाता है, यानी कि एक साल बाद उसका इतना श्योर हो चुका है कि अमाउंट वापस नहीं आएगा, तो ऐसे केस में उस रेसिडेंट की जो प्रॉपर्टी थी या फिर जो भी कोलेटरल वगैरह था, वो ऑक्शन में लगा सकता है वो एक पर्टिकुलर बैंक, ताकि वो अमाउंट रिकवर किया जा सके लोन का। तो सरफेसी एक्ट ये पावर देता है उस एक बैंक को और उस एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। पहली जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी थी वो कौन सी थी, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो ARCIL, यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड, याद रखना, ये हमारी पहली एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी थी। ये ARC करती क्या है? तो ये बैड लोन को खरीदती है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूं मैं, कि एक ABC बैंक है, उस ABC बैंक का 100 करोड़ जो अमाउंट है वो बैड लोन है, यानी कि उनके पास वो वापस नहीं आया और उनको पता लग चुका है कि वापस आएगा भी नहीं। तो अब यहाँ पर एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी आती है, कोई भी हो सकती है, ये 100 करोड़ का जो अमाउंट है ये खरीद लेती है, मान के चलते हैं 60 करोड़ के अंदर। अब इसमें नुकसान तो हुआ है बैंक को, लेकिन 100 करोड़ के नुकसान से तो ज्यादा बेटर है ना कि आपका -40 करोड़ का आपका नुकसान हो। तो 60 करोड़ अभी भी इनके पास है, बैंक के पास। अब ये जो ARC होती है, ये लोन की रिकवर करती है, ठीक है? तो ये फंडामेंटल है, समझे इस बात को? राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है तो ज्यादा ध्यान मत देना। अब ये जो ARCIL कंपनी है हमारी, जो कि पहली एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी थी, ये 2002 में बनाई थी अंडर सेक्शन 3 ऑफ सरफेसी एक्ट, सिक्योरिटाइजेशन एक्ट 2002, इसको याद रखना। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, भूलना मत, मिस मत करना, आपके इंटरव्यू में और मेंस में बहुत काम आएगी। अब आते हैं अगली न्यूज पे। सो आरबीआई ने एक कमेटी सेटअप की है फॉर डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म टू प्रिवेंट फ्रॉड। एक्चुअली क्या हो रहा था कि डिजिटल फ्रॉड्स बहुत ज्यादा हो रहे थे, तो इनको प्रिवेंट करने के लिए आरबीआई ने ये कमेटी सेटअप की है। अब आगे देख लेते हैं कि न्यूज क्या है। सो आरबीआई फॉर्मड अ कमेटी टू सेटअप डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, और ये कमेटी के जो चेयरमैन होंगे वो होंगे अभया प्रसाद होटा जी, जिन्हें हम AP होटा भी बोल सकते हैं, याद रखना, AP होटा या फिर अभया प्रसाद होटा। और ये जो कमेटी बनानी थी, इसकी रिकमेंडेशन आरबीआई ने दी थी। आरबीआई ने बोला था कि भाई ये कमेटी बनाई जाए जिससे कि
हम आइडेंटिफाई कर सके फ्रॉड्यूलेंट ट्रांजेक्शंस, यानी कि जो फ्रॉड ट्रांजेक्शंस होती है उसको हम ट्रैक कर सके, और कस्टमर की जो डाटा प्राइवेसी है उसको मेंटेन कर सके, यानी कि उसका डाटा लीक ना हो पेमेंट से रिलेटेड कुछ भी, चाहे वो ट्रांजेक्शन का हो, अकाउंट का हो, कुछ भी क्यों ना हो, तो उसको हम ब्रीच ना होने दें, उसको हम प्रोटेक्ट कर सके। इस चीज पे ये कमेटी बिठाई गई है, बनाई गई है। अब ये रिकमेंडेशन देगी 2-3 महीने में, उसके बाद अगले एक्ट लिए जाएंगे। इस कमेटी के अंदर कुछ बैंक भी शामिल है, इनके जो रिप्रेजेंटेटिव है बैंक के, एक SBI है, HDFC है और ICICI है। ये 3 इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखो, ठीक है? SBI, HDFC, ICICI। बाकी अभय प्रसाद होटा जी याद रखना, इनका नाम जो कमेटी बनाई गई थी फॉर डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। अब अगली न्यूज पे आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये न्यूज हमारी, और सेकेंड लास्ट न्यूज है। तो RBI ने 1 लाख किलो, यानी कि 100 मेट्रिक टन, कितना, 100 मेट्रिक टन या फिर 1 लाख केजी, दोनों को याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कुछ भी दे सकते हैं दोनों में से। इतना गोल्ड RBI UK से वापिस लेके आ चुका है इंडिया में, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। और ये 1991 में पहली बार हुआ है, यानी कि 23 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है 1991 के बाद कि RBI इतना सारा अमाउंट गोल्ड का जो है क्वांटिटी बेसिकली वो इंडिया वापस लेके आया हो किसी फॉरेन कंट्री से। तो यहां पर RBI ने फर्स्ट टाइम सिंस 1991, ईयर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 100 मेट्रिक टन या फिर 1 लाख केजी गोल्ड जो कि स्टोर्ड था UK में, वो इंडिया वापस लेके आ चुके हैं। कंट्री भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेगा, UK, US, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, तो UK इज द राइट आंसर, यूनाइटेड किंगडम। और कितनी क्वांटिटी, 100 मेट्रिक टन या फिर 1 लाख केजी गोल्ड, और कौन से ईयर के बाद, 1991, यानी कि 23 सालों में हुआ है ऐसा। अब एक बेसिकली एक रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की, उस रिपोर्ट में ये बोला गया था कि RBI ने 19 टन गोल्ड खरीदा है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024, ये याद रखना, ठीक है? फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 में RBI ने 19 टन गोल्ड खरीदा था। अब यहां पर जो ओवरऑल गोल्ड होल्डिंग है इंडिया के पास, RBI के पास, वो कितनी है, 822 मेट्रिक टन, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है, याद रखना, 822 टोटल इंडिया के पास गोल्ड होल्डिंग है, यानी कि गोल्ड है, और इसमें इंक्रीजमेंट हुआ है कितना, 27.4 मेट्रिक टन, यानी कि 27.4 मेट्रिक टन इंक्रीज होके 822 मेट्रिक टन पहुंच चुका है, ओके? और ये 27.4 मेट्रिक टन जो इंक्रीज हुआ है, ये फाइनेंशियल ईयर या फिस्कल ईयर 2024 में हुआ है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि कितना क्वांटिटी में मेट्रिक टन में फिस्कल ईयर 2024 में गोल्ड ऐड हुआ है, तो वो था 27.4। और अगर आपसे ये पूछे कि टोटल कितना गोल्ड है अभी होल्डिंग, 822 मेट्रिक टन। अगर आपसे ये पूछे कि कौन से ईयर के बाद 1 लाख केजी या फिर 100 मेट्रिक टन गोल्ड इंडिया वापस ले गया है, तो 1991। सबको अच्छे से रट लेना, रिवीजन करना, बार बार याद हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज और है, एक बेसिकली आपकी अवेयरनेस के लिए है, 50% से ज्यादा जो RBI की गोल्ड होल्डिंग है ना, जो गोल्ड है RBI का इंडिया का, वो बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंग्लैंड एज वेल एज बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, जिसका हेडक्वार्टर बेसल स्विट्जरलैंड के अंदर है, इनके पास रखा गया है। तो याद रखना, बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, इन दोनों के पास RBI का 50% से ज्यादा गोल्ड रखा हुआ है। तो बस ये थी इसकी न्यूज, अब आगे चलते हैं लास्ट न्यूज पे। RBI ने कैंसिल कर दिया है 10 साल का बॉन्ड ऑक्शन, बेसिकली एक ग्रीन बॉन्ड ऑक्शन था ये, इसको कैंसिल कर दिया गया है पहली बार। अब ये क्या था, क्यों कैंसिल किया, देख लेते हैं। यहां पर RBI ने कैंसिल किया है ऑक्शन जो कि 10 साल का था, किसका, ग्रीन बॉन्ड का, ईयर इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। और कैंसिल इसलिए किया गया क्योंकि जो ट्रेडर्स थे जो इस ऑक्शन में आए हुए थे, उन्होंने मना कर दिया था कि हम ग्रीनियम पे नहीं करेंगे। ग्रीनियम क्या होता है, प्रीमियम होता है बेसिकली, हर एक साल, जैसे मान लो आप इंश्योरेंस लेते हो, उस इंश्योरेंस के अंदर अगर एज एन एग्जाम्पल आपको हर एक साल 15,000 रुपये एज अ प्रीमियम पे करना होता है,
वो कुछ सालों के लिए होता है, 15 साल, 8 साल, 20 साल, 25 साल, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही ग्रीन बॉन्ड जो था, जो कि 10 सालों का था, इसके लिए ग्रीन बॉन्ड का नाम होता है ग्रीनियम, जो कि हम पैसा पे करते हैं। तो वो प्रीमियम इन्वेस्टर्स इच्छुक नहीं थे कि वो पे करेंगे इस बॉन्ड के लिए, तो इसलिए ये ऑप्शन कैंसिल कर दिया गया। और ये जो ग्रीनियम होता है, इसको हम एक तरीके से वी कैन से ग्रीन डिस्काउंट और ग्रीन प्रीमियम भी बोल सकते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछता है आपसे कि कितने साल का ऑप्शन था, सो 10 ईयर्स का था, और किसका था, और ग्रीन बॉन्ड का था, और किसके चलते ऑप्शन कैंसिल हुआ, तो यू कैन से ग्रीनियम के चलते ऑप्शन कैंसिल हुआ। गवर्नमेंट का प्लान है बेसिकली कि उनको ग्रीन बॉन्ड्स इशू करने हैं जिसके टोटल वर्थ 12,000 करोड़ रुपए की है फर्स्ट हाफ में, जो कि जनवरी आया था, तो जनवरी 2024 में ऑलरेडी 6,000 करोड़ का ऑप्शन ये कर चुके हैं। अब जब ये जून में किया गया था सेकेंड टाइम 6,000 करोड़ का, तो वो कैंसिल हो चुका है। तो टोटल अमाउंट भी याद रखना 12,000 करोड़ का है, और इसमें दो ट्रेंच में हुआ है, यानी कि दो फेज में हुआ है ये। पहला फेज हो चुका था, सेकंड फेज में ये कैंसिल हो चुका है। अब देखते हैं आगे कब होता है। अब यहाँ पर जो बिट्स थी, यानी कि जो बोली लगाई गई थी, वो कितने इंटरेस्ट पे लगाई गई थी। अब मान लो भाई, कोई भी कंपनी है, अगर वो ग्रीन बॉन्ड्स खरीद रही है, तो ऑब्वियसली बात है उस बॉन्ड के बदले जो पैसा इन्वेस्ट कर रही है, तो कुछ तो इंटरेस्ट वो उठाएगी ना वहां से, जो उनके लिए फायदा हो। तो जो बिट्स लगाई गई थी बोली, वो 7% और 7.06% लगाई गई थी, ठीक है, जो कि अमाउंट आपका टोटल दिया जाएगा उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा। लेकिन आरबीआई रेडी नहीं था इसको पे करने के लिए, क्योंकि आरबीआई का जो बेंचमार्क था इस बॉन्ड में, वो 6.99% था। आरबीआई का कहना था कि भाई आप 6.99% में ले लो ये ग्रीन बॉन्ड, बट जो ट्रेडर्स आए हुए थे वो अडामेंट थे, जिद्दी थे, कि नहीं, हमको 7% से 7.06% इतना चाहिए। तो इसलिए इसको कैंसिल कर दिया गया, 10 ईयर ग्रीन बॉन्ड को। बस इतना सा था इस न्यूज के अंदर, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं बनाया मैंने, बहुत सिंपल टर्म्स में आपको समझाया जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट था। ज्यादा डीप में जाएंगे तो कोई फायदा नहीं, आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो इतना आपसे एग्जाम में पूछेगा और इतना ही करना है। और ये हमारा लेक्चर फिनिश हो चुका है आरबीआई का, जून 1 और 2 वीक का। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर सेबी या फिर इंटरनेशनल कोई भी हो सकता है। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और बाकी कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना। तो मिलते हैं अगले सेशन में फ्यूचर ऑफिसर्स। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।